15 गानों का सर्वे। जी हाँ, 15 गानों का सर्वे करने के बाद मैंने एक चीज़ देखी। आई डोंट नो कि बाकी अरुदीप फैंस ने ये चीज़ देखी या नहीं। पवनदीप राजन के जो सोलो फैंस हैं ना बॉस, सुनो ये बात, पवनदीप राजन के जो सोलो फैंस हैं, वो साइलेंट फैंस जो है ना, वो उसका जब भी सॉन्ग आता है वो व्यूज़ भी देते हैं, वो लाइक्स भी करते हैं, स्पेशली अपनी तरीके से थोड़ा बहुत प्रमोशन भी करते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो साइलेंट फैंस है ना, उसके लाइक करने वाले बहुत ज़्यादा है। प्रमोशन वाइज अगर मैं बात करूँ ना, प्रमोशन वाइज उतना नहीं करते वो। सोशल मीडिया पे मैंने जो देखा, अरुदीप फैन क्लब्स है नो डाउट, दोनों के भी फैंस, तीन क्राइटेरिया आता है। एक पवनदीप फैंस जो सिर्फ पवनदीप को पसंद करते हैं, एक अरुणिता फैंस वो सिर्फ अरुणिता को पसंद करने वाले भी है, एक दोनों को पसंद करने वाला एक अरुदीप वाला भी ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जो पवनदीप को बहुत ही ज़्यादा चाहता है लेकिन अरुणिता को हेट नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा उसको भी चाहता ही है। एक अरुणिता का ऐसा ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा अरुणिता को पसंद करता है, थोड़ा सा पवनदीप को भी करता है लेकिन ज़्यादा भी नहीं करता। अब ये जो 5 क्राइटेरिया है, अब इसमें हुआ ये है कि मैंने एक एडवांटेज पवनदीप राजन के फ़ैन क्लब्स में क्या दिखता है मैंने देखा, इन सब 5 क्राइटेरिया को भी अगर मैं ऐड कर दूँ, इस बंदे के हेटर्स ना के बराबर है। जब हेटर्स ना के बराबर है ना, तो ये जो 5 जो क्राइटेरिया वाले ग्रुप आते हैं ना, इनमें तुमको लाइक्स करने वाले ज़्यादा लोग हैं, व्यूज़ देने वाले ज़्यादा लोग हैं। आप कभी भी पवनदीप का सोलो सॉन्ग देखो और उसके कितने कम समय में ज़्यादा व्यूज़ आए रहते हैं। अब देखो कोई भी सॉन्ग बाद में उसके व्यूज़ कम हो, मतलब स्लो हो ही जाते हैं, वो रुक ही जाते हैं, लेकिन कभी भी पवनदीप के सोलो सॉन्ग्स देखो, उसको तगड़ा व्यूज़ उसके पीछे मिलने का रीज़न मैं बता देता हूँ। पवनदीप के डाई हार्ट फैंस है, वो व्यूज़ देते, लाइक्स करते हैं, क्योंकि उसको कोई हेटर नहीं। इसलिए जो अरुणिता के भी फैंस है, वो भी थोड़ा बहुत तो उसको सपोर्ट करते। जो कट्टर अरुणिता फैंस बोल रहा हूँ मैं, वो उसको डिसलाइक नहीं करते। अरुदीप के फैंस तो दोनों के अच्छे हैं, पवनदीप के वो भी, जो कुछ अरुणिता के फुल जो फैंस हैं, जो पवनदीप को थोड़ा बहुत देखना तो कंफर्म पसंद करते, वो भी उसको डिसलाइक नहीं करते। बात ये है कि आप बोलते हो ना कि पवनदीप के सॉन्ग्स को व्यूज़ इतने तगड़े क्यों आते हैं, क्योंकि व्यूज़ आने का पीछे ये भी रीज़न है, लाइक्स भी अच्छे होते हैं, डिसलाइक्स तो होते ही नहीं है। आजकल तो यूट्यूब ने वो डिसलाइक ऑप्शन हटा दिया, लेकिन मैं आपको एक डिसलाइक की अभी भी मात्रा है, मतलब वो काउंट नहीं होता है, लेकिन जो लोग यूट्यूबर से उनको पता चलता है कि किसने कितने लाइक्स दिए कितने डिसलाइक्स दिए। कहने का मतलब ये है, उसको डिसलाइक्स बहुत कम आते भी होंगे तो बहुत कम। उससे होता क्या है, लाइक्स अगर ज़्यादा बढ़ेंगे, व्यूज ज़्यादा बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ना यानी कि ट्रेंडिंग में जाना सॉन्ग। इसीलिए जब पवनदीप का कोई भी सोलो सॉन्ग रिलीज होता है, अरुदीप से भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली चैनल क्यों ना हो, मिलियंस में व्यूज जाते हैं, उसके पीछे वही रीज़न है। जो लोग मुझे कह रहे थे कि पवनदीप फैंस, मुझे लगा था, मैंने कल रात को या परसों, एक दो तीन दिन पहले मैंने बोला था पवनदीप के फैंस पे एक वीडियो मुझे स्पेशल बनाना है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अब आप बोलोगे फिर अरुणिता के बाद, अरुणिता के मामले में क्या है, अरुणिता के मामले में थोड़ा सा अलग चीज़ है। अरुदीप के फैंस फुल सपोर्ट करेंगे, अरुणिता के भी फैंस फुल सपोर्ट करेंगे, पवनदीप के जो कुछ फैंस है वो अरुणिता को व्यू शायद थोड़े बहुत देंगे भी, कुछ लोग नहीं भी देते, जो सिर्फ पवनदीप के फैंस से बोल रहा हूँ मैं। उसके पीछे एक रीज़न है, उनको अरुणिता के रिलेशनशिप पवन के साथ जो है उस पर उतना ट्रस्ट नहीं है, और ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा अरुणिता और पवनदीप के जो फैंस हैं इसमें झगड़े लगाता है, झगड़े हो जाते हैं उनमें, थोड़ा सा अनबन होती है। ऐसे में होता क्या है, क्योंकि जो पवनदीप के कट्टर फैंस हैं ना, वो बहुत तगड़े हैं, वो कट्टर यानी कि वो अरुणिता के प्रति अगर वो उनका ज़्यादा कुछ ये नहीं होगा लगाव, वो व्यूज ही नहीं देंगे। ये सच है, ये सर्वे है, ये 15 सॉन्ग्स का सर्वे है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि किसी के स्पेशल अगेंस्ट बोल रहा हूँ। अब आप में से अगर कोई पवनदीप का कट्टर भी फैन होगा, वो अगर अरुणिता को दे रहा होगा व्यूज़ अच्छे खासे और लाइक भी थोड़ा बहुत कर रहा होगा, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते। मैंने सम पीपल्स की बात की है,
इसीलिए पवनदीप के जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा ही लगभग सॉन्ग को 2 महीने भी हो जाए ना, थोड़े से ट्रेंडिंग में दिखते ही है। बाद में तो ट्रेंडिंग निकल जाएगी क्योंकि वो बड़े टी सीरीज़ पे वगैरह नहीं आ रहे उनके सॉन्ग्स। जब आएंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा किसके कितने व्यूज़ हैं। मैं आपस में लड़ा नहीं रहा, हम तो अरुदीप के सपोर्टर हैं, पर क्या है सोलो फैंस की भी बात करना ज़रूरी है कभी कभी। आपका कोई ओपिनियन अलग हो सकता है, मैंने एक सर्वे निकाला इसलिए बोला मैंने, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए क्या सच है। समहाउ थोड़ा सा तो मैंने इतना सर्वे मेरा गलत नहीं होता है भाई कभी। सो आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए।